देश प्रदेश में सरकारों की तरफ से समय समय पर तरह तरह के अभियान चलाकर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत मुरादाबाद में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का संकल्प ले। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए आज नुक्कड़ नाटक के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसको लेकर नगर क्षेत्र के एआरपी नीलम भुल्लर ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ यूकेटी के तहत निपुण भारत मिशन चल रहा है। इसी क्रम में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एजुकेशन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज यह प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, जो हर ब्लॉक में किए जाएंगे। जिसके पहले दिन आज नगर क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए कलाकारों ने लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी आगे बढ़ाना है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाए और उनका भविष्य संवारे। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मिशन कायाकल्प की भी जानकारी साझा की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, जिससे हमारा देश शिक्षित होगा, तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तैयारियां सर ये हम लोगों को सब पहले से की कराई जाती हैं, केवल ये विषय बताना पड़ता है, जो जो हम लोगों के पास विषय होता है वो उस पर हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं सर? जे सर हमारा चल रहा है लमसम इसका हो गया है 20-22 साल। जी जी अलग अलग किरदार अलग अलग स्टूडेंट किरदार भी किया। जी विमलेश कुमार ने डॉक्टर का रोल अदा किया, अमरीश कुमार ने निपुण बच्चा बनके बताया लोगों को, और हमारे ये हैं नंदा, इन्होंने ढोलक बजा के गाना गा के लोगों को जागरूक किया, और हमारे प्रमोद ने हमारा ये क्या होता है वीडियो और फोटो, और जो तहसीलदार का होता है उन्होंने किया। जी यहाँ पर ये इक्विटी स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत हमारे जो निपुण भारत मिशन है बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहा है, उसके लिए ये जन जागरूकता के लिए अभियान चला गया है नुक्कड़ नाटक अभियान। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी जन जागरूकता अभियान चल रहा है, उनको लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाया जाए, और दूसरा जो बच्चों के लिए स्कूल में कायाकल्प द्वारा स्कूलों का सजावट हो रही है, स्कूलों को पूरा मोटिवेट किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है, उसमें प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत नई नई सुविधाएं स्कूल में मिल रही हैं। लेकिन अभिभावक जो स्कूल में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि बच्चों को रोज विद्यालय भेजा जाए, और बच्चों के जो 1200 रुपये आते हैं उनके जूते मोजे और ड्रेस के लिए उसका वो सदुपयोग करें। इसलिए नुक्कड़ नाटक हमारे जगह जगह चलाए गए हैं। आज नगर क्षेत्र मुरादाबाद से इसकी शुरुआत हुई है, ये सभी ब्लॉक में होना है अलग अलग तारीख। जी ये हमारा 12 तारीख से शुरू हुआ है और अभी हर ब्लॉक में अलग अलग दिन में इनका होना है। जी इस तरह का फीडबैक आने की उम्मीद है? जी उम्मीद तो है, देखिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग बहुत जोर शोर से जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बहुत इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि विद्यालयों का रिनोवेट हो और बच्चे विद्यालयों में आए पढ़ने के लिए और उनको नई नई सुविधाएं दी जाएं। तो ये चीज लोगों तक पहुँचाने के लिए, हाँ विद्यालयों में नई सुविधाएं मिल रही हैं दी जा रही हैं, बच्चों को विद्यालय भेजिए और जो सुविधाएं योजनाएं सरकार से द्वारा चलाई जा रही हैं उनका सदुपयोग लोग करें, और इसलिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको जागरूक करने के लिए ये हमारा कार्यक्रम चलाया गया है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको देखेंगे तो जरूर मोटिवेट होंगे। जैसा कि यहाँ आपने देखने को मिला है आपको कि लोग काफ़ी जो है बहुत उत्सुक होकर नुक्कड़ नाटक देख रहे थे और उनको मोटिवेशन भी मिल रहा है, तो हमें यही उम्मीद है कि जरूर कुछ बदलाव होगा। जी बहुत अच्छा वो किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनका पूरा प्रिपरेशन करके वो लोग आए हुए हैं, लोग बड़े उत्सुक होकर उनको देख रहे हैं। कहाँ से हायर किया है? ये विभाग द्वारा।
जी जी, ये गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए हैं, हमारा बेसिक शिक्षा विभाग इनको भेजता है और ये हर ब्लॉक में जाकर अपना इन लोग को अपनी अदाकारी दिखानी है, लोगों को मोटिवेट करना है।